भगोड़े मनोज ने यूट्यूब छोड़ के भाग गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है, मनोज ने यूट्यूब छोड़ के भाग चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ राजशुक्ला फिर कंट्रोवर्सी कर रहा है, कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। मनोज भाई ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है और मेरा ये अधिकार है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब किया, ताकि मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिले। और जो भी लोग आपको सब्सक्राइब किए हुए वो इसीलिए किए हैं ताकि आपसे उनको कुछ सीखने को मिले। लेकिन आप जिस तरीके से यूट्यूब छोड़ के भाग रहे ना, ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। दोस्तों अभी हाल में मनोज दे ने अपना घर बनवाया है जो कि करोड़ों का घर है, नो डाउट। और कहां से पैसा कमाया, पैसा कहां से कमाया, आप लोग जो वीडियो देखते हैं वहीं से मनोज दे ने पैसे कमाए, ठीक है ना। और आज की डेट पर जब वो अपने घर को बनवा लिए हैं, वहां पर रहने लगे हैं, तो जिसके बल पर उन्होंने वो घर बनवाया उसी को अपने घर पर एंट्री करवाने में उनको शर्म आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मनोज दे ने अपने वीडियो पे खुद बोला है। एक बात बताओ मनोज दे, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम्हारा घर बन गया, क्या तुम अपने परिवार के लोगों को नहीं बुलाओगे, क्या तुम अपने परिचित दोस्तों को नहीं बुलाओगे? बिल्कुल 100% बुलाओगे। लेकिन एक बात बताओ, जिसकी वजह से वो तुम्हारा घर बना है, तुमको उनको बुलाने में शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। और तुमने अपने वीडियो पे क्या बोला कि भैया हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा व्यस्तता है हमारे पास में, इतने बड़े हम यूट्यूबर हैं कि हमारे पास में समय ही नहीं है। आप लोग दोस्तों जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप मनोज दे के वीडियो पे जाइए, चैनल पे जाइए, देखिए वो कितने दिन में कितनी वीडियो अपलोड करते हैं। और हमको बता रहे हैं, ऑडियंस को बता रहे हैं कि भैया वो बहुत व्यस्त रहते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, मैं भी प्रोफेशन से एक यूट्यूबर हूं, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत ही कम समय लगता है और आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो मनोज दे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, और किससे मिलने का टाइम नहीं है जिसकी वजह से तुम आज बने हुए हो, हैं? कैसी बात करते हो यार, क्या तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाओगे, अपने घर के जो भी तुम्हारा घर का गृह प्रवेश है नहीं बुलाओगे? तो जिनकी वजह से वो तुम्हारा घर बना है उनको बुलाने में तुमको शर्म क्यों आ रही, शर्म आ रही है। और अगर तुमको इतनी ही शर्म है तो तुमको उस समय शर्म करनी चाहिए थी जिस समय तुम यूट्यूब पर आए थे, उस समय तो तुमको शर्म नहीं लगी क्योंकि उस समय तो तुमको अपनी स्थितियों को बदलना था, तब तुमको शर्म नहीं आई। लेकिन आज वो सब्सक्राइबर जिनकी वजह से तुम आगे बढ़े हो उनको अपने घर में बुलाने में तुमको शर्म आ रही है। वाह भाई वाह मनोज दे, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला तुमसे। मतलब यही उम्मीद थी कि बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं वो इस तरीके से अपने सब्सक्राइबर के साथ करते हैं, हमको विश्वास हो रहा है। अभी तक तो हमको लगता था कि भैया सौरभ जोशी घमंडी है, लेकिन आपने अपने वीडियो से प्रूफ कर दिया कि आपको अपने घर पर अपने सब्सक्राइबर को बुलाने में शर्म आती है। और यही रीजन है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर का एड्रेस रिवील हो। एक गुरु का काम क्या है आप बताइए, एक गुरु का काम यह है कि अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझे। आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आप एक गुरु है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि भैया आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली और टीचर क्या बोल रहा है कि भैया कोचिंग तो ज्वाइन कर ली है लेकिन कोई क्वेश्चन मत पूछना। वाह भाई वाह मनोज भाई, बहुत बढ़िया, मतलब फीस भी हम दे, पढ़ने भी हम जाए और हमारी प्रॉब्लम होगी तो हम आपसे पूछ नहीं सकते, हैं? हम भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, लोगों को यूट्यूब की टिप्स दे रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसा बंदा जो मनोज दे बन सकता है, जो सौरभ जोशी बन सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन वो किसी वजह से, कुछ जानकारी ना होने की वजह से शायद पूरा जीवन यूट्यूबर ना बन पाए और अपने घर की स्थितियों को ना बदल पाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जितने यूट्यूबर है ना सब ना सच बता रहे हैं, कोई आपके बारे में नहीं चाहता यार कि तुम यूट्यूबर बन पाओ। अब तुम लोगों को लगता है ना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सिद्धार्थ राजशुक्ला खिलाफत बता रहा है, अरे खिलाफत नहीं बता रहे मेरे भाई, कोई तुम्हारा नहीं है, अच्छे से जानता हूं इस चीज को मैं। जो बोलते हैं ना कि तुम्हारे साथ खड़े हैं, जब तुमको जरूरत होगी ना कोई सामने नहीं आएगा। अभी मनोज दे भाई एक और तुमसे मेरा क्वेश्चन है, पूछे लेता हूं इसी वीडियो पे। देश का झंडा लगा करके कोई बंदा तुम्हारे घर आता है और तुम इतने व्यस्त हो कि उससे मिल नहीं पाते हो, इतने व्यस्त हो तुम कि तुम मिल नहीं पा रहे हो, वो भी देश का झंडा लगा के तुम्हारे घर कोई पहुंच रहा है, कितने बड़े आदमी बन गए हो यार मनोज भाई। मैं कोई मतलब आप खिलाफ में वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि भैया आप क्यों अपनी ऑडियंस से नहीं मिलना चाहते,
आपने तो बोल दिया बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं आप कुछ व्यस्त नहीं रहते, आपकी जिंदगी में कोई व्यस्तता नहीं है। यूट्यूबर की जिंदगी बहुत मौज की होती है और आप बोलते हैं कि आप व्यस्त हैं। ना आप किसी से मिलेंगे, आपके दिमाग में ना सब्सक्राइबर की कोई वैल्यू है, ना ही जो भी इंडियन फ्लैग लगा करके आपके सामने खड़ा होता है उसकी कोई वैल्यू। गुस्सा इसलिए हो क्योंकि सब्सक्राइबर, जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो एक्सपेक्टेशन आप तोड़ रहे हैं। वो एक्सपेक्टेशन उनकी थी तभी उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया, तभी उन्होंने आपके वीडियोस को देखा। लेकिन आज जब उन सब्सक्राइबर को आपकी जरूरत है तो आप क्या बोल रहे हैं कि हम नया घर बनवा लिए भैया, हम वहां पर अपना एड्रेस नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते भाई, जब तुम गरीब थे, जब तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, तब तुमको अपनी हर स्थिति बताने में मजा आ रहा था। लेकिन आज जब तुम अमीर आदमी बन गए हो तो उन्हीं सब्सक्राइबर से, जिनकी बदौलत आज तुम यहाँ पर खड़े हो ना, उनसे मिलने में तुमको शर्म आ रही है, उनसे अपनी चीजों को छिपा रहे हो। क्या अपने लोगों से भी छिपाओगे, अपने माँ बाप से भी छिपाओगे अपने घर का एड्रेस, अपने भाई बहन से भी छिपाओगे, अपने परिवार वालों से भी छिपाओगे? इसका मतलब तो है कि YouTube फैमिली जो तुम बोलते हो, घंटा तुम्हारे लिए YouTube फैमिली नहीं है, सिर्फ बोलने की बातें हैं बस। वरना अगर रियल में तुम YouTube अपनी फैमिली समझते हो ना मनोज भाई, तो तुम ये बात कभी अपने वीडियो पे बोल ही नहीं सकते थे। अगर मैं गलत हूं दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि नहीं सिवार्थ राज शुक्ला 2.0 गलत बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूं और यही YouTube का सच है। सिर्फ आपका यूज किया जाता है अपनी जिंदगी को बड़ा करने के लिए बस, बाकी जब तुमको जरूरत होती है ना तो कोई तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होने वाला भाई, सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। सत्यता यही है कि तुम्हारे साथ साला कोई नहीं खड़ा है, तुमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, जो अपने आप को बहुत मठाधीश समझने लगते हैं, जब तक वो गरीब होते हैं तब तक भैया ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं, लेकिन जैसे ही जेब में पैसा आया नहीं कि भैया उनसे बड़ा मठाधीश कोई है ही नहीं। बड़ा अजीब लगता है मनोज भाई कि आपने अपनी ऑडियंस को ऐसा बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब ना किया होता तो मुझे बुरा ना लगता, क्योंकि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं आपकी वीडियो देखता हूं, देन मुझे बुरा लगा कि इतना सीक्रेट आप हम लोगों से अगर चीजों को रखेंगे तो कैसे चलेगा भाई। एक यूट्यूबर जब यूट्यूब पर आता है ना यूट्यूबर बनने के लिए, तो जब आप इस तरीके का बड़ा बड़ा घर बनवा लिए, बड़ी बड़ी कारें ले लिए, तो वीडियो के माध्यम से देखना एक अलग चीज होती है। बहुत से लोग होते हैं यार जो रियल में जब उस चीज को देखते हैं ना, उनके अंदर एक अलग मोटिवेशन आ जाता है रियल में जब उस चीज को देखते हैं, तो ये चीज मैंने फील की है तब मैं आपको बता रहा हूं, तो उसके अंदर एक अलग मोटिवेशन आता है, देन वो और तबाही लेवल पे यूट्यूब पर काम करना चाहता है। लेकिन नहीं भैया, आप वीडियो पे तो सबको दिखा दोगे, लेकिन अगर कोई बंदा आपके घर आएगा तो आप वैसे ही सौरभ जोशी बन जाओगे जैसे सौरभ जोशी अपने सब्सक्राइबर के साथ करते हैं। बुरा लगा जान करके, बाकी भैया कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मैं गलत हूं तो मेरे करिए, अगर मैं गलत हूं तो मेरे वीडियो को डिसलाइक करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं सही हूं तो मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे आपको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये मैं आपको सिखाता हूं। और मैं कहीं गलत हूं मनोज देव भाई, आप भी कमेंट करके बताइए कि नहीं मैंने गलत बात बोली है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों के माध्यम से इतना आगे बढ़े हैं, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने सब्सक्राइबर से मिले जुले, उनसे बातचीत करें। लेकिन भैया आप बड़े आदमी बन गए, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर कौन है, जो गरीब है बेचारा, जो मेहनत कर रहा है, जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, उन वो आपके सब्सक्राइबर हैं, तो आपको तो भैया बुरा लगेगा, क्योंकि भाई आप लग्जरी जिंदगी आप जी रहे हैं। तो सब्सक्राइबर जो बेचारा जेब में जिसकी फूटी कौड़ी नहीं है वो आपके पास आएगा तो आपको बुरा तो लगेगा ही। मनोज भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी ये आपसे गुजारिश है कि भाई बहुत मेहनत करके लोग आपके पास पहुंचते हैं दूर दूर से, ठीक है, तो अगर आप अपना घर बार अपना गाड़ी घोड़ा उनकी कुछ मदद कर देंगे, मैं नहीं करूंगा अपना घर दे दो भाई, वो सिर्फ आपका घर ही तो देख के चले जाएंगे, बस थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा यार। जो गरीब होता है ना, जो गरीब होता है वो सिर्फ देख लेता है ना बड़ी बड़ी चीजें, उसी से उसको बहुत शांति मिल जाती है भाई, लेकिन तुमको वो भी नहीं दिखाना। चलो खैर कोई बात नहीं, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं सही हूँ या गलत कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी अगर YouTube पर आपको ग्रो होना है जेन्युइन तरीके से, कैसे आपको ऑनलाइन पैसे कमाना है, अगर ये चीज आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको जेन्युइन तरीके से सिखा रहा हूँ कैसे आपको यूट्यूबर बनना है, कैसे आपको ऑनलाइन पैसे कमाने हैं।
उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे आपको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये मैं आपको सिखाता हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।